बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशन में यूज होने वाले सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एडवांस्ड ग्रामर। जो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आपने कई बार सुने होंगे शब्द नेवर द लेस होता है, नन द लेस, दस होता है, देयर फोर होता है, कॉन्सिक्वेंटली, सबसिक्वेंटली होता है, और भी कई सारे, मोर ओवर है, फर्दर मोर है। एक्चुअल में ना कि ये सारे के सारे जो ग्रामर है, ये ग्रामर एक्चुअल में क्या होता है, सिर्फ वर्ड्स होते हैं और ये इंटरचेंजेबली, मैक्सिमम केसेस में इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। तो हम एक सेंटेंस में इन जैसी कितने ग्रामर ग्रामर के जो वर्ड्स हैं वो यूज किए जा सकते हैं, वो सबको यूज करते हुए चलेंगे। तो आप भी अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिएगा कि आप उस सेंटेंस में और थोड़ा बहुत घुमाओ घुमा करके, फिरा करके, वर्ड्स को आगे पीछे करके, मैसेज को सेम रखते हुए सेंटेंस को बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, राइट। जैसे सबसे पहले सेंटेंस देखिए, हाउ एवर का पहले मतलब भी समझ लेते हैं। इट इज कॉमनली यूज टू इंट्रोड्यूस अ कंट्रास्ट और एक्सेप्शन टू व्हाट हैज बीन प्रीवियसली मेंशन, यानी कि जो हमने पहले कहा उसके मुकाबले दूसरा वाला जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको थोड़ा हैवी रखने की कोशिश करते हैं, पहले वाले को थोड़ा लाइट बना देते हैं। जैसे एक सेंटेंस बोलूं मैं, जैसे कहा जाएगा, द वेदर वॉज टेरिबल हाउ एवर, द वेदर वॉज टेरिबल हाउ एवर वी डिसाइडेड टू गो हाइकिंग, यानी कि जो मौसम टेरिबल तो था लेकिन उसके बावजूद हाउ एवर जब आपने लगाया, यानी कि ज्यादा कंसिडर ना करते हुए, द वेदर वॉज टेरिबल हाउ एवर वी डिसाइडेड टू गो हाइकिंग, एक तरीके से आपने इसको कह दिया। लेकिन अगर जैसे हाउ एवर आप यहां से हटाएं तो आप कह सकते हैं द वेदर वॉज टेरिबल वी स्टिल, फिर भी द वेदर वॉज टेरिबल वी स्टिल डिसाइडेड टू गो हाइकिंग। तो यहां पर आप स्टिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, कई सारे सेंटेंसेस लिखते हैं तो उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करिएगा, राइट। जैसे अगला सेंटेंस है, इसमें हमने हाउ एवर यूज किया हुआ है, शी डिडंट लाइक द मूवी। हाउ एवर, पर्पज क्या है हाउ एवर का, यानी जो स्टेटमेंट हम पहले दे रहे हैं, यानी कि इसको कंसिडर ना करते हुए, मेन इसका रोल यही होता है किसी भी सेंटेंस में। सो शी डिडंट लाइक द मूवी, हाउ एवर शी एंजॉयड द साउंड ट्रैक, यानी जो आगे सेंटेंस कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कंडीशन थी, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि इस पर फर्क पड़ सकता, राइट। सो शी डिडंट लाइक द मूवी, हाउ एवर शी एंजॉयड द साउंड ट्रैक, राइट। उसको म्यूजिक थोड़ा सा पसंद आ गया। एक और सेंटेंस बोल करके देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले वाले वजह से स्टेटमेंट से कोई कंक्लूजन की या रिजल्ट की बात कर रहे हैं, बस दो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये कंडीशन थी, लेकिन फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा अगली कंडीशन पर। कहा जा सकता है आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में जाना तो चाहता था, हाउ एवर आई हैड टू मच वर्क टू फिनिश, मैंने तो बातें कही हैं इकट्ठी कि दोनों काम साथ में थे कि भैया मेरे को पार्टी में जाना था लेकिन मेरे पास ये भी था। तो जब मैंने ये स्टेटमेंट कहा आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी, हाउ एवर आई हैड टू मच वर्क टू फिनिश, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें इस वाली बात को गौर से सुनो और इस वाली को ज्यादा कंसिडर मत करो, लेकिन थी ये वाली भी बात वहां पर, राइट। तो बताने का ये तात्पर्य है कि हाउ एवर जब आप लगा रहे हैं किसी सेंटेंस में तो आप दो बातें बता रहे हैं, अगली वाली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पिछली वाली को कम दे रहे हैं। जैसे एक लास्ट सेंटेंस और यूज करते हैं हाउ एवर के साथ, जैसे कहा जा सकता, अब देखिए ये जो सेंटेंस था इसमें हम स्टिल नहीं कह देंगे, राइट। आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, आई स्टिल हैड टू मच वर्क टू डू, गेटिंग माई पॉइंट। सिचुएशन के हिसाब से अदला बदली करी जा सकती है, लेकिन हर सेंटेंस में नहीं करी जा सकती। रूल्स नहीं होते हैं, वर्ड्स के मीनिंग है, बस लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि भाई हाउएवर की जगह मैंने स्टिल ऊपर वाले सेंटेंस में यूज कर लिया था तो हर सेंटेंस में यूज हो जाएगा। आपको स्टिल का मतलब पता होना चाहिए, हाउएवर का लॉजिक पर्पस पता होना चाहिए, किस सिचुएशन में यूज होना है। गॉट द पॉइंट। जैसे कि अब अगला वाला सेंटेंस है, शी डिडंट हेल्प मी विद द मनी, यानी पैसे तो नहीं दिए उसने, शी डिडंट हेल्प मी विद द मनी, हाउ एवर शी केम टू सी मी एट द हॉस्पिटल, यानी कि भले उसने पैसे नहीं दिए, नो प्रॉब्लम, इसको कंसिडर मत ही करो, राइट। शी डिडंट हेल्प मी विद द मनी, हाउ एवर शी केम टू द हॉस्पिटल टू सी मी, यानी कि मुझे देखने के लिए वो आई, गेटिंग माई पॉइंट। तो आगे वाला जो स्टेटमेंट है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने हाउ एवर लगा करके दोनों चीजें साथ में उसी से संबंधित हैं, इस प्रकार से मैंने हाउ एवर यूज करके एम्फेसाइज कर दिया अगले वाले स्टेटमेंट पर। शी डिडंट हेल्प मी विद द मनी, हाउ एवर शी केम टू द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल तक तो आई, राइट। अब देखिए, इसके अलावा देयर फोर का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, देयर फोर का बिल्कुल सिंपल सा एक ही मतलब होता है, इसलिए, राइट। देयर फोर की जगह हम यूजुअली अपने कॉन्वर्सेशन में सो और दैट्स वाई, दैट्स द रीजन, ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं। तो देयर फोर आपको हार्डली सुनने को मिलेगा कभी कॉन्वर्सेशन में कोई यूज करता होगा। जैसे कि इसका यूसेज क्या है, इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ लॉजिकल रिजल्ट और कंक्लूजन बेस्ड ऑन द प्रोसीडिंग स्टेटमेंट। प्रोसीडिंग यानी कि जो पहले कहा गया उसकी वजह से जो रिजल्ट आया है उसको बताने के लिए हम देयर फोर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक दो सेंटेंसेज में यूज करते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। देयर फोर की जगह और क्या क्या कहा जा सकता है ये भी समझना है साथ में, राइट। जैसे कहा जा सकता है, ही डिडंट स्टडी फॉर द एग्जाम, ही डिडंट स्टडी फॉर द एग्जाम, देयरफॉर ही फेल्ड, यानी कि जो स्टेटमेंट कहा उसका रिजल्ट हुआ क्या, ही फेल्ड,
राइट right? अब यहाँ पर देयर फोर हमें सुनने को क्यों नहीं मिलता? अगर हम कॉन्वर्सेशन कर रहे होते नॉर्मली तो हम सिर्फ इतना सा कह देते, ही डिडंट स्टडी फॉर द एग्जाम सो ही फेल्ड, राइट। एक और तरीके से कहा जा सकता है, ही डिडंट स्टडी फॉर द एग्जाम दैट्स व्हाई ही फेल्ड। तो हम ये लाइट वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, कहा जा सकता है ही डिडंट स्टडी फॉर द एग्जाम दैट्स द रीजन ही फेल्ड, राइट। तो इसलिए देयर फोर की वहां पर हमको जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि इजी ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास में है। तो अगर आपको ये सिचुएशन बतानी है तो आपको सो दैट्स वाई और दैट्स द रीजन तीन मैंने बताए। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई ऐसा वर्ड आता है जिसको हम ग्रामर कहते हैं तो प्लीज फिट करने की कोशिश करिए सेंटेंस में। आपके हर कमेंट को हम पढ़ते हैं, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप अपने सेंटेंसेस लिखें, आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे, देन आई विल गिव यू ए लाइक, तो समझ जाएगा करेक्ट था और गलत होगा तो उसको करेक्ट कर देंगे। सो प्लीज पार्टिसिपेट वाइल वॉचिंग द वीडियो, ऑलराइट। एक तरीके से हमने कह दिया ही डिडंट स्टडी फॉर द एग्जाम देयरफॉर ही फेल्ड, देयरफॉर कह रहे हैं यानी कि इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो फेल हो गया। तो जब भी रिजल्ट की बात करेंगे आप एक स्टेटमेंट के बाद तो देयरफॉर लगा देंगे। एक और सेंटेंस में बोल करके देखें, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम देयरफॉर वी रिसीव्ड अ बोनस, यानी कि एज एन आउटकम एज अ रिजल्ट हमको ये तोहफा मिला, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम देयरफॉर वी रिसीव्ड अ बोनस, इस प्रकार इसलिए हमको एक बोनस मिल गया। इसी की जगह आप सो कह दीजिए, कोई फर्क ही नहीं आ रहा है सेंटेंस के ऊपर। जैसे कि द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड ऑन टाइम सो वी रिसीव्ड अ बोनस, राइट, दैट्स व्हाई वी रिसीव्ड बोनस, दैट्स द रीजन वी रिसीव्ड अ बोनस, राइट। तो ये ग्रामर अदल बदल के यूज होती है, तो ये ग्रामर भी नहीं है एक्चुअल में, ये है क्या, ये केवल शब्द हैं जिनका बस हमको लॉजिक मीनिंग समझ लेना है। एक और सेंटेंस बोल करके देखिए, द रोड वॉज ब्लॉक्ड देयरफॉर वी हैड टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव रोड, बिल्कुल सिंपल। देयर फोर की जगह सो कह सकते हैं, दैट्स वाई कह सकते हैं, दैट्स द रीजन कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपके पास कहने के लिए। आपने अक्सर वर्ड कहते हुए सुना होगा लोगों को, दस कहते हुए कभी शायद ही सुना हो, लेकिन लिखा हुआ जरूर देखा होगा हमारी किताबों में। कभी लेटर लिखते थे, ऐसे राइटिंग करते थे, काफी ज्यादा फॉर्मल वर्ड है। दस का मतलब हो जाता है इस प्रकार से, देयर फोर है इसलिए, और दस का मतलब हो गया इस प्रकार से। इसमें थोड़ा घुमा के कह रहे होते हैं, देखिए कॉन्सिक्वेंस में होता है, कॉन्सिक्वेंटली यानी कि रिजल्ट आया किसी वजह से, सो इट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। ऑफन इन मोर फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि ज्यादा फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में वही ऐसे वगैरह लिखते हैं तब इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं और क्या कहे जा सकते हैं दस की जगह पर। जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास में, शी फॉरगॉट टू सेट द अलार्म, शी फॉरगॉट टू सेट एन अलार्म दस शी ओवरस्लेप्ट एंड मिस्ड हर मीटिंग, दस कह दिया इस प्रकार, शी फॉरगॉट टू सेट एन अलार्म दस शी ओवरस्लेप्ट एंड मिस्ड हर मीटिंग। दस की जगह पर आप कह सकते हैं शी फॉरगॉट टू सेट एन अलार्म सो शी ओवरस्लेप्ट एंड मिस्ड हर मीटिंग, दैट्स वाई। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, वही इजी, दैट्स वाई, दैट्स द रीजन, सो। ये तीन जो वर्ड्स घूमते हैं अक्सर कॉन्वर्सेशन में, सारे जितने भी वर्ड्स हैं सबका लगभग मीनिंग वही है। थोड़े आगे थोड़े से इंटरेस्टिंग है जो कि अक्सर उनका इजी ऑल्टरनेटिव यूज नहीं करते हम, वो सेंटेंस अलग तरीके से बना दिए जाते हैं। जैसे एक और सेंटेंस बोलते हैं पहले दस को यूज करके, जैसे कि द कंपनी डिडंट मीट इट्स सेल्स टारगेट, द कंपनी डिडंट मीट इट्स सेल टारगेट। देखिए मीट का मतलब होता है पूरा करना, टारगेट वगैरह जब हम पूरा करते हैं तो उसको मीट करते हैं, राइट। आई हैव टू मीट द टारगेट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी मुझे इस महीने के अंदर अंदर टारगेट पूरा कर लेना है। आई हैव टू कंप्लीट द टारगेट ना कहके आई हैव टू मीट द टारगेट, राइट। सो द कंपनी डिडंट मीट इट्स सेल टारगेट दस फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, दस लगा दिया आपने, इसका मतलब इस प्रकार से, इस वजह से। आप थोड़ा सा सीक्वेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं दस को इस्तेमाल करके, दस की जगह कहा जा सकता है सो, दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन, फिर से वही वाली बात आ गई, इंटरचेंजेबली सारे वर्ड्स कहे जा सकते हैं, राइट। अब मान के चलिए आपको मैं एक सेंटेंस अभी देता हूं, पहले इसको एक सेंटेंस और बोल लेते हैं, थोड़ा आदत में आ जाएगा। ही प्रैक्टिस डेली दस ही बिकेम अ स्किल्ड म्यूजिशियन, ही प्रैक्टिस डेली इस प्रकार से। तो आप इसमें सीक्वेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ही प्रैक्टिस डेली सो ही बिकेम अ स्किल्ड म्यूजिशियन कहा जा सकता है, राइट। तो आपको दस का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बताने की कोशिश करनी है। देखिए ऐसा नहीं है कि इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं तो कोई फर्क ही नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। इसमें थोड़ी फीलिंग है कि भैया आप एक सीक्वेंस बता रहे हैं, और सो दैट्स व्हाई दैट्स द रीजन जब लगा रहे हैं तो सीक्वेंस बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वो फीलिंग नहीं जा रही है, लेकिन चली जा रही है 0.1% कहा जाए, एक बाल बराबर का फर्क है, बस इतना सा हमको समझ लेना है। लहजा मीनिंग पे कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, बस लहजा बदलता है थोड़ा सा। जैसे कई बार कह देते हैं ना idiomatically, उस प्रकार का है। जैसे moreover आपने हमेशा सुना होगा, moreover it is used to add extra information that supports or emphasizes what has been mentioned, यानी कि moreover का मतलब है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप किसी चीज के बारे में, और जो आपने कहा उस पर थोड़ा सा और जोर दे दिया जाता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एड करके,
राइट right? जैसे एक दो सेंटेंसेस में यूज करते हैं और मोर ओवर के फिर ऑल्टरनेटिव्स भी देखेंगे कि इसके जगह और क्या कहा जा सकता है. द प्लान इज एक्सपेंसिव, मोर ओवर इट्स नॉट फीजिबल इन द लॉन्ग टर्म. फीजिबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, जिससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाएं, यानी कि इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता लॉन्ग टर्म तक. सो द प्लान इज एक्सपेंसिव, पहले तो ये महंगा है, जो भी आप प्लान लेकर के आए इस पर पैसा बहुत खर्च होगा. द प्लान इज एक्सपेंसिव, इतना कह दिया बॉस ने, लेकिन बॉस एक सेंटेंस बोल के नहीं रुकेगा. राइट, वो रीजन भी देगा, भाई आपका प्लान मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा है. सो द प्लान इज एक्सपेंसिव, मोर ओवर, यानी ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट भी कहा जा सकता है. ऑन टॉप ऑफ दैट, मोर ओवर इट्स नॉट फीजिबल इन द लॉन्ग टर्म, यानी लॉन्ग टर्म तक ये प्रैक्टिकली काम नहीं करेगा. मोर ओवर जब आपने कहा तो आपने ये बताने की कोशिश करी कि जो स्टेटमेंट मैंने कहा इसके ऊपर से एक और जोर दे दिया और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया बस आपने. तो जब आप और थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं तो मोर ओवर जब आप कह देंगे स्टार्टिंग में, सामने वाला ध्यान से सुनेगा कि हाँ आप कुछ और एक्स्ट्रा कह रहे हैं. राइट, बस इतना सा इसका पर्पस है, मोर ओवर, यानी कि इसी में कुछ एक्स्ट्रा. एक और तरीके से बोल करके देखिए, एक नया सेंटेंस है, द बुक इज वेल रिटन, अच्छे तरीके से लिखी गई है. द बुक इज वेल रिटन, मोर ओवर, फिर से आपने कहा कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं हम. इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनसाइट टू ह्यूमन बिहेवियर. इनसाइट का मतलब होता है कुल मिलाकर के समझ कहा जा सकता है, अंतर्दृष्टि, यानी कि लोगों को ज्ञान हो जाता है कुल मिलाकर. द बुक इज वेल रिटन, मोर ओवर इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनसाइट इनटू ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में अच्छे तरीके से हमको समझ आने लग जाता है, तो वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड करता है. तो जब हमने यहाँ पर मोर ओवर कहा तो हमने सिंपल सा ये कह दिया कि भाई लिखी भी अच्छे तरीके से है और साथ ही साथ एक और एक्स्ट्रा क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं. मोर ओवर की जगह आप ऑन टॉप ऑफ दैट भी कह सकते हैं, द बुक इज वेल रिटन, ऑन टॉप ऑफ दैट इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू ह्यूमन बिहेवियर. राइट, तो ऑन टॉप ऑफ दैट कह देते हैं, इन एडिशन भी कहा जा सकता है. इन एडिशन इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनसाइट्स टू ह्यूमन बिहेवियर. कहने का तात्पर्य यह है, केवल शब्द हैं, ग्रामर पता नहीं क्यों कहा जाता है इसको. एक और सेंटेंस बोलते हैं इसी को मोर ओवर को यूज करके, द टीम इज अंडर परफॉर्मिंग मोर ओवर. ऐसा नहीं, बहुत सारे कंफ्यूजन लेके आते हैं लोग कि नेगेटिव सेंटेंस में ही बोला जाएगा या पॉजिटिव में ही बोला जाएगा, ऐसा नहीं होता है. सिंपल बोल करके देखे, द टीम इज अंडर परफॉर्मिंग मोर ओवर द मोरल इज वेरी लो. द मोरल इज वेरी लो, यानी कि आपने बताया पहले तो अच्छा परफॉर्म कर भी नहीं रहे हैं और ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट भी कहा जा सकता है, ऑन टॉप ऑफ दैट द मोरल इज वेरी लो. राइट, मोर ओवर जब आपने कहा तो आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी. मोर ओवर का ही दूसरा भाई कहा जा सकता है फर्दर मोर. मोर ओवर जब आप कह रहे हैं तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करी, और फर्दर मोर जब आपने कहा यानी और एक एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट आपने ऐड कर दिया. राइट, मतलब दोनों का मतलब फर्दर मोर और मोर ओवर इंटरचेंजेबली 99.9% केसेस में यूज करे जा सकते हैं, कि जो आपने कहा यू आर एडिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नाउ. राइट, जैसे कि एक सेंटेंस बोल के देखें, द पॉलिसी इज अनफेयर, फर्दर मोर इट्स नॉट बीइंग इन्फोर्स्ड कंसिस्टेंटली. मोर ओवर भी कहा जा सकता है, मोर ओवर इट्स नॉट बीइंग इन्फोर्स्ड कंसिस्टेंटली. फर्दर मोर जब आपने कहा, फर्दर का मतलब ये आगे और. राइट, मोर ओवर का मतलब है और ज्यादा. इतना सब शब्द का मीनिंग समझना है, समझ में आ जाएगा आपको. और कोई भी लिटरल ग्रामर नहीं यूज हो रही है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में कहा जा रहा है. राइट, द पॉलिसी इज अनफेयर, फर्दरमोर इट्स नॉट बीइंग इन्फोर्स्ड कंसिस्टेंटली, यानी कंसिस्टेंट नहीं है, कभी लागू कर देते हैं कभी नहीं कर देते हैं, बस ये कहने का तात्पर्य है. जैसे कि द न्यू प्रोडक्ट इज चीपर एंड फर्दरमोर इट्स मोर ड्यूरेबल. पॉजिटिव सेंटेंस में यूज कर लिया आपने फर्दर मोर, यानी कि एक तो ये सस्ता है और अगर इसके बारे में और कहा जाए तो. तो फर्दर मोर का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसके बारे में और कहा जाए तो, द प्रोडक्ट इज चीपर एंड फर्दर मोर इट्स मोर ड्यूरेबल. ड्यूरेबल का मतलब है टिकाऊ, जो ज्यादा चल जाए. जैसे एक और सेंटेंस में यूज करते हैं, शी इज एन एक्सीलेंट लीडर. शी इज एन एक्सीलेंट लीडर, ऑन टॉप ऑफ दैट भी कह सकते हैं फर्दर मोर, उनके बारे में और कहा जाए तो. शी इज एन एक्सीलेंट लीडर एंड फर्दर मोर शी इज वेरी अप्रोचेबल एंड सपोर्टिव. अप्रोचेबल यानी कि जब भी जाया जाए तो उनसे मुलाकात करी जा सकती है, यानी आउट ऑफ रीच नहीं है, हमेशा लोगों के बीच में रहती हैं. सो फर्दर मोर शी इज वेरी अप्रोचेबल एंड सपोर्टिव, हर किसी का सपोर्ट भी करती हैं. एक आपने वर्ड अक्सर सुना होगा नेवरदलेस. नेवरदलेस, ननदलेस, दोनों का मतलब बस यही है. जब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कंडीशन तो है, लेकिन उस कंडीशन के बावजूद आगे वाला जो काम किया गया है उस पर आप जोर दे रहे होते हैं कि ऐसी अवस्था होने के बाद भी जो इन्होंने किया उसको कम मत समझो. मीनिंग ही समझ में आ रहा है ना, नेवरदलेस, यानी इसको भी कम नहीं समझना चाहिए, उन्होंने काफी एफर्ट लगा के काम किया. जैसे एक दो सेंटेंस लिखते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, नेवरदलेस और ननदलेस. राइट, दोनों को यूज करेंगे. जैसे एक सेंटेंस है, द वेदर वॉज कोल्ड, नेवरदलेस वी वेंट फॉर अ वॉक. द वेदर वॉज कोल्ड,
ठंड तो थी, नेवरदलेस वी वेंट फॉर ए वॉक, यानी कि इतनी ठंड होने के बाद में, इसमें जब आपने नेवरदलेस कह दिया तो आपने इस वाले सिचुएशन पर थोड़ा सा जोर दे दिया कि इस ये वाला, इसमें पहला सेंटेंस इंपॉर्टेंट हो गया, ऊपर वाले में जहां हाउएवर कह रहे थे उसमें अगला सेंटेंस इंपॉर्टेंट हो रहा था, पहले वाला थोड़ा सा हम कम वैल्यू दे रहे थे, इसमें पहले वाले पर द वेदर वाज कोल्ड नेवरदलेस वी वेंट फॉर ए वॉक, दूसरा सेंटेंस बोल करके देखिए क्लियर हो जाएगा, ही वॉज टायर्ड नेवरदलेस ही स्टेड अप लेट टू फिनिश द रिपोर्ट, यानी कि वो थका हुआ था। इसमें हम क्या कह रहे हैं, पहले सेंटेंस में एम्फेसाइज कर रहे हैं कि नेवरदलेस इसको कम मत समझो जो उसने किया, क्योंकि कंडीशन यहां पर गंभीर थी जो मैंने पहले कही, सो ही वॉज टायर्ड एंड नेवरदलेस ही स्टेड अप लेट टू फिनिश द रिपोर्ट। ही स्टेड अप लेट का मतलब है, देखिए स्टे अप का मतलब होता है स्टे अवेक, राइट right? जैसे कि आई स्टे अप अंटिल 12, मैं 12 बजे तक जागता रहता हूँ, या फिर आई स्टे अवेक अंटिल 12, दोनों का मतलब वही है, राइट। सो ही वॉज टायर्ड, थका हुआ था बहुत ज्यादा, नेवरदलेस ही स्टेड अप लेट टू फिनिश द रिपोर्ट, यानी कि ये वाला जो काम उसने किया वो एफर्ट लगा के किया, क्योंकि ये कंडीशन बहुत ज्यादा गंभीर थी, ये बताने की कोशिश कर रहा है। एक और सेंटेंस बोलते हैं, द प्रोजेक्ट फेस्ड मैनी चैलेंजेस, यानी जो प्रोजेक्ट पूरा कर रहे थे, द प्रोजेक्ट फेस्ड मैनी चैलेंजेस नेवरदलेस इट वॉज कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी कि बहुत मुश्किल होने के बाद भी नेवरदलेस ये टाइम पे पूरा हो गया। तो नेवरदलेस आई होप समझ में आ रहा होगा कि जिस सेंटेंस के बाद आप बोल रहे हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत गंभीर अवस्था थी, राइट। और हाउ एवर समझ में आ रहा होगा, तो एक दो वर्ड्स हैं जो काफी ज्यादा ऑपोजिट हैं, अदरवाइज इंटरचेंजेबली हम यूज कर ही लेते हैं, तो नेवरदलेस हो गया। अब नंदालेस के साथ स्टार्ट करते हैं, नंदालेस इज सिमिलर टू नेवरदलेस, सेम ही मीनिंग है, बस यही है कि आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कंट्रास्ट और कंट्राडिक्शन विद व्हाट हैज बीन सेड बिफोर, यानी कि कनेक्टेड हैं, लेकिन पहले वाला सेंटेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है और अगला वाला नंदालेस नेवरदलेस, यानी कि कुल मिला के कम नहीं समझना है आपको, नेवर और नन वर्ड से समझ में आ रहा होगा। जैसे कि द डेडलाइन वॉज टाइट, द डेडलाइन वॉज नियर भी कहा जा सकता है, द डेडलाइन वॉज नियर, नंदलेस दे मैनेज टू फिनिश द वर्क, दे मैनेज टू फिनिश द वर्क, यानी जो उन्होंने किया उसको लेस मत समझो, इस तरीके से एक तरीके से मिला के इसका मीनिंग समझा जा सकता है, राइट। जैसे एक और सेंटेंस बोलते हैं इसी के साथ में, बोल करके देखिए, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, ये मुद्दा गंभीर है इस कंडीशन में, क्योंकि नेवरदलेस या नंदलेस कह रहे हैं, राइट। शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, नंदलेस शी अटेंडेड द मीटिंग, कुल मिलाकर के ये कंडीशन इतनी गंभीर थी और ये वाला जो काम किया इसको आप कम मत समझिए, उसने बहुत एफर्ट लगा करके इस काम को किया। आई होप हर सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि केवल एक वर्ड है, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। नंदलेस की जगह आप नेवरदलेस भी कह सकते हैं, कह सकते हैं डिस्पाइट बींग वेरी इल, डिस्पाइट बींग सो इल शी मैनेज टू अटेंड द मीटिंग, डिस्पाइट कह दिया आपने होने के बावजूद, इस तरीके से बना दिया सेंटेंस को, तो बस शब्दों को घुमाना फिराना आना चाहिए। कहा जा सकता है द मूवी हैड पुअर रिव्यूज, द मूवी हैड पुअर रिव्यूज नन द लेस इट वॉज अ बॉक्स ऑफिस हिट, यानी कि फिर भी उसने कुल मिलाकर के अपना हिट साबित हो गई, लोगों ने उसको बहुत ज्यादा पसंद किया, रिव्यू शुरू शुरू में रिव्यूज गलत आ गए थे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे कि कंसिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है कुल मिला करके, कि आप एक सीक्वेंस वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि इस वजह से दूसरा कोई आउटकम आया, एक फ्लो में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक दो सेंटेंसेस लिखते हैं, जैसे कि एक चीज और है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना लगभग एक वीडियो अपलोड करते हैं हम आपको, ये तो एक अलग वीडियो है, अदरवाइज हमारे कॉन्वर्सेशन सेशंस होते हैं जहां पर हिंदी टू इंग्लिश हम लोग सेंटेंस का ट्रांसलेशन, उसको नेचुरल इंग्लिश में कैसे बोला जाना है, कई तरीके से कॉन्वर्सेशन करने के वहां पर आपको प्रैक्टिस के सेशंस मिलेंगे। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर एक्सप्लोर करिएगा, और दूसरा आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के सबसे बड़े दो फायदे ये हैं कि सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप पूरा दिन रियल टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक ग्रुप में, तो जब आप रियल टाइम में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको छोटे छोटे ये ग्रामर के रूल, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स वगैरह समझ में आने लग जाएंगे, खुद से हम बहुत सीखते हैं, आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, माहौल हमको सिखाता है, तो वहां पर पूरा दिन ग्रुप में कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहते हैं। फिर शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। सेशन में बैठेंगे 15-20 दिन के अंदर, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी ग्रामर समझ में आ जाएगी। 300 करीबन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं कॉन्वर्सेशन में, वो मास्टर कर लेंगे आप,
इंग्लिश समझ लीजिए आपको पूरी आ गई, फिर सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए, फ्लुएंसी के लिए आपको प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे जिनके साथ जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस करिए। सो मोस्ट वेलकम है, लाइव क्लासेस में आएगा और फीस की ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, बहुत ही छोटा सा अमाउंट हम चार्ज करते हैं नाम मात्र का, राइट। तो एक बार मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बाकी बातें व्हाट्सएप पर हो जाएंगी, आई बी वेटिंग फॉर योर मैसेज, राइट। जैसे कि अब देखें, हाँ यहाँ पर थे हम, कॉन्सिक्वेंटली का हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम एक रीज़न की वजह से दूसरे आउटकम की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि सेंटेंस लिख करके देखें, द टीम फेल्ड टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, द टीम फेल्ड टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, कॉन्सिक्वेंटली द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड। कॉन्सिक्वेंटली यानी ये काम हुआ और उसी के नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंटली की जगह आप कह सकते हैं द टीम फेल्ड टू कम्युनिकेट प्रॉपरली आफ्टरवर्ड्स, द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड, आफ्टरवर्ड भी कह सकते हैं, दैट्स वाई भी कह सकते हैं, दैट्स द रीजन कह सकते हैं। तो वही चीज है, कुल मिला के आप ये कह रहे हैं ना, इस वजह से, राइट। सो द टीम फेल्ड टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, देयरफॉर द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड, देयरफॉर कह दीजिए, द टीम फेल्ड टू कम्युनिकेट प्रॉपरली दस द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड, दस भी कहा जा सकता है। इस प्रकार, इसलिए, इस रीजन से, सारे के सारे वही मैंने कहा ना, 40 से 45 ही वर्ड्स हैं ग्रामर के। अगर इससे ज़्यादा होते तो उस पर भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका होता, बिकॉज आई ऑलरेडी अपलोडेड ओवर 350 वीडियोज़ टू माई चैनल। या कोई भी इंग्लिश का कोई सीरीज देखिए, कोई यूट्यूब पर दूसरा कोई वीडियो देखिए, आपको कोई 40-45 वर्ड्स घूमते हुए नजर आएंगे हर सेंटेंस में, बस उसको थोड़ा घुमाना फिराना आना चाहिए, राइट। अब वो कैसे आएगा, दूसरों की इंग्लिश सुनेंगे माहौल में जब होंगे, तो कोई इसी इसको कह देगा कॉन्सिक्वेंटली के साथ, कोई कह देगा दैट्स वाई, कोई कह देगा दैट्स द रीजन, कोई कह देगा सो, कोई कह देगा देयरफॉर, कोई कह देगा दस, सारे के सारे ठीक है, तो पता चल जाएगा सबका मतलब एक ही है, राइट। लेकिन 45 वर्ड से ज्यादा कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि है नहीं। जैसे एक और सेंटेंस में बोल करके देखते हैं, शी डिडंट रिन्यू हर लाइसेंस, कॉन्सिक्वेंटली शी कुडंट ड्राइव लीगली, यानी कि ये नहीं हुआ, इस वजह से ये वाला आउटकम आ गया। सो लगा दीजिए, दैट्स वाई लगा दीजिए, दैट्स द रीजन लगा दीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल यहाँ पर करी जा सकती हैं। अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्या करती हैं, प्रोडक्ट बेच डालती हैं फिर वापस बुला लेती हैं। सो द प्रोडक्ट वॉज रिकॉल्ड, प्रोडक्ट वॉज रिकॉल्ड, कॉन्सिक्वेंटली द कंपनी सफर्ड अ फाइनेंशियल लॉस, कंपनी को बहुत सारा लॉस हो गया। सो द प्रोडक्ट वॉज रिकॉल्ड, कॉन्सिक्वेंटली द कंपनी सफर्ड अ फाइनेंशियल लॉस। जैसे कि किसी का अगर लॉस हो जाता है तो उस सफर वर्ड यूज कर लिया जाता है कॉमनली। जैसे कि आई फेल फॉर एन ऑनलाइन डील, आई फेल फॉर अ डील ऑनलाइन, यानी मैंने एक लालच में आ गया, आई फेल फॉर यानी कि मैं लालच में आ गया किसी चीज़ के, आई फेल फॉर अ डील ऑनलाइन, सो आई सफर्ड अ लॉस ऑफ 500 रुपीज, आई सफर्ड अ लॉस ऑफ 500 रुपीज, जब मैंने कहा यानी 500 का नुकसान हो गया। सो कंपनी ने क्या करा, द प्रोडक्ट वॉज रिकॉल्ड, कॉन्सिक्वेंटली द कंपनी सफर्ड अ फाइनेंशियल लॉस, यानी कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हो गया। नाउ इन एडिशन आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कॉन्वर्सेशन में, इन एडिशन का मतलब भी है फर्दर मोर, या फिर मोर ओवर, या ऑन टॉप ऑफ दैट। इन एडिशन वर्ड ही है, एक समझ भी आ रहा होगा, इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए हम फर्दर मोर का भी इस्तेमाल करते हैं, मोर ओवर का भी इस्तेमाल करते हैं, राइट। ऑन टॉप ऑफ दैट भी कई बार कह दिया जाता है, जैसे एक दो सेंटेंस बोलते हैं इन एडिशन के साथ में, शी इज एन अकम्प्लिश्ड राइटर, इन एडिशन शी इज एन एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर। इन एडिशन यहाँ पे हमने कहा, यानी कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं उसके बाद में बारे में हम, शी इज एन अकम्प्लिश्ड राइटर, इन एडिशन शी इज एन एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर। इन एडिशन की जगह पे कह दीजिए ऑन टॉप ऑफ दैट शी इज एन एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर। आप कह सकते हैं फर्दर मोर, जैसे अभी हमने एक पॉलिटिशियन के बारे में कहा था, शी इज अप्रोचेबल एंड वेरी सपोर्टिव, राइट। सो उसी तरीके से घुमा फिरा के बहुत सारे वर्ड्स यूज करे जा सकते हैं। और ये बार बार क्यों यूज करने में आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि है नहीं ज्यादा। एक और सेंटेंस हम बोलते हैं इसी को, इन एडिशन को यूज करके, द जॉब ऑफर्स अ कॉम्पिटिटिव सैलरी, द जॉब ऑफर्स अ गुड सैलरी, कॉम्पिटिटिव सैलरी, गुड सैलरी कहे जा सकते हैं। इन एडिशन इट इंक्लूड्स हेल्थ बेनिफिट्स, इन एडिशन कहा जा सकता है, ऑन टॉप ऑफ दैट इट इंक्लूड्स हेल्थ बेनिफिट्स, राइट। सो आई होप समझ में आ रहा होगा कि केवल वर्ड्स हैं, इसको अगर हम ग्रामर के तरीके से, प्रॉब्लम पता है कहाँ पर आ जाती है, अगर हम इस तरीके से सीखना शुरू कर दें भाई इन एडिशन कहाँ कहाँ यूज होगा, इट हैज़ नो एंड, फिर हम अटक के रह जाएंगे। इन एडिशन के हजारों सेंटेंसेस हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है, थोड़ा थोड़ा मीनिंग बदल सकता है। जैसे हमने ऊपर यूज़ किया था ना, कि एक सेंटेंस में हमने हाउ एवर की जगह पर स्टिल यूज़ कर लिया था,
लेकिन हर सेंटेंस में नहीं यूज होगा। उसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप बोलना शुरू करिए, माहौल में समय बिताइए, जब माहौल में होंगे अलग अलग सिचुएशन में सुनेंगे तो लॉजिक समझ में आ जाएगा। कभी भी इस तरीके से नहीं सीखना है कि इन एडिशन के कितने यूज हैं, कुड हैव वुड हैव में क्या फर्क है, ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, इसका कोई एंड नहीं होता है। अलग सिचुएशन में बोला जाएगा, अलग वर्ड्स होंगे, उस वर्ड्स के हिसाब से ग्रामर बदल जाएगी। राइट, कॉन्वर्सेशन करनी है रियल टाइम में, इंग्लिश को सुनिए, सिचुएशन से हर वर्ड को कनेक्ट करना है, ग्रामर के हिसाब से सेंटेंस नहीं बनाना है, सेंटेंस के हिसाब से ग्रामर लगानी है, उल्टा नहीं चलना है। राइट, जैसे एक और वर्ड आपने सुना होगा, ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड का सिंपल सा मतलब है इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एन ऑल्टरनेटिव पॉइंट और व्यू और कंट्रास्ट टू व्हाट हैज बीन सेड, यानी कि ऑल्टरनेटिव बता रहे होते हैं या ऑपोजिट के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे एक दो सेंटेंस बोलते हैं, इजिली समझ में आ जाएगा, शी एंजॉयज द सिटी लाइफ, यानी उसको सिटी लाइफ तो इंजॉय करना अच्छा लगता है, इंजॉय करती है, शी इंजॉयज द सिटी लाइफ। ऑन द अदर हैंड यानी दूसरी तरफ, एक सिंपल सा वर्ड मीनिंग है, शी इंजॉयज द सिटी लाइफ। ऑन द अदर हैंड शी मिसेज द क्वाइट ऑफ द कंट्री साइड। कंट्री साइड हम कह देते हैं जो शहर से साइड से हटा हुआ एरिया होता है ना, गांव वगैरह का, जैसे सिटी होता है, सिटी से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो छोटे छोटे गांव आ जाते हैं, तो उनको कंट्री साइड कह दिया जाता है, जहां पर बहुत ज्यादा आबादी नहीं है। सो शी इंजॉयज द सिटी लाइफ, ऑन द अदर हैंड शी मिसेज द क्वाइट ऑफ कंट्री साइड, शांति वहां पर जो होती है वो चीज को वो मिस करती है। दूसरे सेंटेंस में बोल करके देखिए, द रेस्टोरेंट इज एक्सपेंसिव, द रेस्टोरेंट इज एक्सपेंसिव, ऑन द अदर हैंड द फूड इज एक्सेप्शनल, यानी है तो एक्सपेंसिव लेकिन ऑन द अदर हैंड द फूड इज एक्सेप्शनल। ऑन द अदर हैंड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ऑपोजिट बता रहे हैं, दो चीजें बता रहे हैं हम, अलग अलग हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती हैं। दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग दिस वर्ड बिटवीन द सेंटेंसेस, हम दो सेंटेंसेस के बीच में ही इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो कनेक्शन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है, बस मैच करने के लिए है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे कि मीन वाइल आपने सुना होगा, मीन वाइल का मतलब होता है इट इज यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग एल्स इज हैपनिंग एट द सेम टाइम एज द प्रीवियसली मेंशन इवेंट, यानी जो हमने कहा साथ के साथ दो काम अगर हो रहे हैं तो हम मीन वाइल का इस्तेमाल कर देते हैं। आपने सुना होगा मीन वाइल की जगह वाइल भी कह दिया जाता है कई बार, जैसे बोल करके देखते हैं, शी वाज कुकिंग डिनर, खाना तो वो बना रही थी, मीन वाइल यानी उसी दौरान, हर हस्बैंड वॉज सेटिंग टेबल, शी वॉज कुकिंग डिनर, मीन वाइल हर हस्बैंड वॉज सेटिंग द टेबल, यानी कि उसी ही दौरान, दो काम साथ में हो रहे हैं तो मीन वाइल, और जरूरी नहीं है कि दो काम साथ में हो। जब हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, इस दौरान, हिंदी में मतलब समझना है बिल्कुल इजीली, इस दौरान, राइट। तो व्हेन शी वॉज कुकिंग डिनर, मीन वाइल हर हस्बैंड वॉज सेटिंग द टेबल। सिंपल एक और सेंटेंस में बोल करके देखिए, द मेन इवेंट वॉज डिलेड, द मेन इवेंट वॉज डिलेड, यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा था, डिले हुआ है बल्कि, राइट। तो समझना है दौरान की बात कर रहे हैं, दो काम साथ में होने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। द मेन इवेंट वॉज डिलेड, मीन वाइल द ऑडियंस वेटेड पेशेंटली, यानी बड़ा पेशेंस के साथ में ऑडियंस वेट करती रही। सो द मेन इवेंट वॉज डिलेड, मीन वाइल द ऑडियंस वेटेड पेशेंटली। एक और साइंटिस्ट बोल के देखिए, द सीईओ वॉज इन अ मीटिंग, सीईओ था, मीटिंग में था, द सीईओ वॉज इन अ मीटिंग, मीन वाइल द टीम प्रिपेयर्ड द प्रेजेंटेशन, यानी उस दौरान जब सीईओ थे, तो कहने का तात्पर्य है कुछ काम प्रोग्रेस में है, नहीं भी है, जब हमको दौरान इंडिकेट करना है तो हम मीन वाइल का इस्तेमाल कर लेंगे, राइट। जैसे कि आई एम गोना टेक अ ब्रेक, मीन वाइल यू ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस बेस्ड ऑन दीज स्ट्रक्चर्स, मीन वाइल यानी कि जब तक मैं ब्रेक लेने जा रहा हूँ, मीन वाइल यू ट्राई टू से सम सेंटेंसेस बेस्ड ऑन दीज स्ट्रक्चर्स, यानी इनके आधार पर कुछ सेंटेंसेज आपको बनाने। अब देखिए, जो भी वर्ड्स आपने देखे हैं, आप अगला जो मैं लिख रहा हूँ उसके बेसिस पर आप कम से कम एक सेंटेंस बनाने की जरूर कोशिश करिएगा। जैसे कि सबसिक्वेंटली जो हमने कहा था ना, कॉन्सिक्वेंटली सेम वही चीज है, सब्सिक्वेंटली है, इट इज यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्ड आफ्टर अ प्रीवियसली मेंशन्ड इवेंट, यानी कि जैसे कहते हैं ना आफ्टर वर्ड्स, यानी बाद में, जैसे पहले अभी जो हमने बताया उसके बाद कुछ हुआ, आफ्टर दैट इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनियम कहा जा सकता है, सब्सिक्वेंटली है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल। अब नॉर्मली हम इसको आफ्टर दैट के साथ में रिप्लेस कर देते हैं कॉन्वर्सेशन के दौरान, द कंपनी एक्सपेंडेड इट्स ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का मतलब होता है जो कंपनी ग्राउंड पे प्रैक्टिकली काम करती है वो ऑपरेशंस कहलाते हैं, राइट। सो द कंपनी एक्सपेंडेड इट्स ऑपरेशंस, सब्सिक्वेंटली इट्स प्रॉफिट्स इंक्रीज्ड, सब्सिक्वेंटली की जगह आप कह सकते हैं आफ्टर दैट इट्स प्रॉफिट्स इंक्रीज्ड, यानी जब उन्होंने एक्सपेंशन किया, द कंपनी एक्सपेंडेड इट्स ऑपरेशंस, आफ्टर दैट इट्स प्रॉफिट्स इंक्रीज्ड। सब्सिक्वेंटली जब आपने वर्ड यूज कर लिया तो आपने बस एक कंटिन्यूटी बताने की कोशिश कर दी, उसके बाद जैसे उन्होंने ये वाला काम करा उसके बाद दूसरा वाला, ये रिजल्ट आ गया, राइट। आफ्टर दैट कह सकते हैं, आफ्टर वर्ड्स भी कह सकते हैं,
एक और सेंटेंस में यूज करके देखिए, ही वॉज कॉट चीटिंग सब्सिक्वेंटली, ही वॉज कॉट चीटिंग यानी वो पकड़ा गया सब्सिक्वेंटली, ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, आफ्टर दैट ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, सो ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, दैट्स वाई ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, आफ्टरवर्ड्स ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, दैट्स द रीजन ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, दैट्स बिकॉज ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। और भी कई सारे यूज, मतलब कि जो भी है, जो मैंने कहा कि 40-45 रूल्स हैं घुमा फिरा के, वही घूमते रहते हैं सबका मतलब वही है, कुछ ज़्यादा होता नहीं है, गेम होता है वर्ड ऑर्डर का कि कौन सा शब्द बोलना कहाँ पर है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है अप्रोप्रिएट वर्ड का कि इंग्लिश में किस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड कॉमनली यूज होता है। इस चीज़ से बचना है कि हम कोई भी अपना सेंटेंस लिटरली हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें, बस ये नहीं करना है, नहीं तो हमारे सेंटेंसेस अजीबोगरीब साउंड करेंगे। अदरवाइज ग्रामर नहीं, अप्रोप्रिएट वर्ड्स, कौन से कॉमनली वर्ड्स यूज करने हैं और कहाँ पर फिट करने हैं सेंटेंस में, बस ये मास्टर करना होता है। हम उलझे रहते हैं ग्रामर में कि इसके कहाँ कहाँ यूज हैं, जैसे कि अब हमने देख लिया सब्सिक्वेंटली के कितने यूज हैं, कहाँ कहाँ यूज होगा, इसका कोई एंड नहीं है। अगर लिखने पे आए कोई व्यक्ति तो इसके 5000 यूज लिख सकता है, सेंटेंसेज ही तो हैं, अलग अलग सिचुएशन में घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से लिख डालेगा। सो दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, उनका बहस हो गई, झगड़ा हो गया। आर्ग्यूमेंट का मतलब फिर भैया सिर्फ झगड़ा नहीं है, बहस नहीं है, यूज कर लिया जाता है उसकी डिग्री के ऊपर कि किस लेवल का था। सो दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, सब्सिक्वेंटली दे स्टॉप्ड स्पीकिंग टू ईच अदर, यानी कि एज एन आउटकम, रिजल्ट, जैसे रिजल्ट बतौर उन्होंने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया। दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, सब्सिक्वेंटली दे स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बात ही करना छोड़ दिया। नाउ एक और है इनफैक्ट, इनफैक्ट का एक बिल्कुल बेसिक सा मतलब है असल में, कहते हैं ना हिंदी में हम कहते हैं अपनी बातचीत के दौरान असल में, सो इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस समथिंग दैट स्ट्रेंथन्स और क्लैरिफाइज अ प्रीवियस स्टेटमेंट, जो हमने पहले स्टेटमेंट कहा बस उसको क्लियर कर दे, हिंदी में भी तभी कहते हैं असल में बात ऐसी है, यानी जो हमने कहा कि उसको हम क्लियर करने की बात कर रहे हैं। सो ही वॉजंट जस्ट लेट, इनफैक्ट ही मिस्ड द एंटायर मीटिंग, इनफैक्ट यानी कि असल में केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेट हुआ, इनफैक्ट ही मिस द एंटायर मीटिंग, यानी कि इसका एक और आउटकम आया, थोड़ा सा बस जोर दिया जा रहा है और मैसेज को थोड़ा क्लियर किया जा रहा है, बस एक और सेंटेंस को बोलिए उससे और ज्यादा सिचुएशन के हिसाब से समझ आएगा कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। द रूमर इज फॉल्स इनफैक्ट, यानी कि असल में द रूमर इज फॉल्स इनफैक्ट, देयर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट इट एट ऑल, यानी कि ऐसा एविडेंस भी नहीं है जो इसको सपोर्ट करता हो, प्रूव करता हो। सो द रूमर इज फॉल्स इनफैक्ट, फॉल्स क्यों कह रहे हैं इस चीज को, क्योंकि इनफैक्ट असल में सच में सच्चाई में देयर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट इट एट ऑल दैट प्रूव्स इट ट्रू। इस तरीके से आप इनफैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनफैक्ट को हटा दीजिए, रूमर इज फॉल्स बिकॉज देयर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट इट एट ऑल, राइट। तो इंटरचेंजेबली थोड़ा सा फीलिंग बदल के सारी ग्रामर उलट पुलट करी जा सकती है, लेकिन एग्जैक्ट फीलिंग को पहुंचाना है तो थोड़ा इनका ज्ञान होना जरूरी है कि कोई बंदा अगर इसको कह रहा है तो क्यों कह रहा है, हमें बस पता होना चाहिए। तो इस सेशन के बारे में आप प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। प्रैक्टिस करते रहें, बाय।